हे गाइस, आप सभी का स्वागत मेरे एक और न्यू वीडियो पर। तो आज हम बताने वाले हैं कि मतलब कि गलती से आप किसी दूसरे के खाते में पैसा भेज देते हैं गूगल पे या फोन पे या किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से, तो उसको कैसे वापस ले सकते हैं। तो ये सब को हम बताने वाले हैं आपको, कैसे उसको वापस लेना है और कैसे क्या करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस तरह से करना है अपना मतलब कि पैसा जो है से वापस लेना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अपने वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो आजकल आज के इस डिजिटल युग में हर काम ऑनलाइन होने लगा है। किसी से फेस टू फेस मिलने के बजाय लोग घर पर ही बैठकर अपना सारा काम ऑनलाइन निपटा ले रहे हैं। यहाँ तक कि बैंकिंग से जुड़े लगभग सभी काम ऑनलाइन हो जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन काम काज की कई खामियाँ भी है, जो लोगों को चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही तब होता है जब आप किसी गलत खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गलत खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए तो कैसे वापस मिलेगा। तो यही बताने वाले हैं कि अब मान लीजिए कि किसी गलत अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो उसे वापस किस तरह से लेना है, यही बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। बता दें कि RBI की का हमेशा ही यही कहना है कि जब भी किसी बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो पैसे भेजने से पहले रिसीवर की दर्ज की गई डिटेल्स, जैसे कि मतलब कि जिसको भेजना है उनका डिटेल्स आपको देखना है ना। कौन कौन डिटेल है इसको बता देते हैं हम लोग। तो पहला है बैंक अकाउंट। आपको बैंक अकाउंट को क्लियर कर लेना है कि कौन सा बैंक अकाउंट है, कहाँ का है, और एक बार आपको भेजने वालों से पूछ लेना है सही है कि नहीं, और उसका IFSC कोड भी आपको ज़रूरी होता है पैसा भेजने के लिए। तो ये दोनों को ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अगर पैसा भेज देते हैं अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में, तो उसे कैसे वापस मिलेगा, तो दिखा बताते हैं किस तरह से वापस मिलेगा। पहला है, सबसे पहले आपको भारत सरकार की UPI के लिए अधिकृत वेबसाइट www.npci.oranga.in पर जाना होगा। देख लो यहाँ पर वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको देख लो। यहाँ पर लिंक तो नहीं दे पाऊँगा, तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक है। उसके बाद वेबसाइट में आने के बाद आपको गेट इन टच पर क्लिक हो जाना होगा। इसके बाद आपको UPI का कंप्लेंट पर जाना होगा, मतलब कि UPI कंप्लेंट पर जाना होगा। और उसके बाद अगला है, यहाँ आपको कंप्लेंट ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ आपको पूरा डिटेल भरना होगा। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट अपलोड करके सबमिट करना होगा, मतलब कि आपको जो ट्रांजैक्शन किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसमें अपलोड कर देना होगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद सरकार के आधिकारिक बैंक के साथ मामले की जांच की करेंगे, जिसके बाद कुछ ही दिन में आपका पैसा वापस हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही आप ये सब काम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे की जो बैंक जिस बैंक से आप लेन देन किया है उस बैंक से आपका बैंक कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। तो यहीं तक था आज का वीडियो। तो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपका, जैसे पैसा कभी फंस जाता है और नहीं आ पा रहा है, अगर ऐसा करने पर नहीं अभी आ रहा है, तो इसके लिए भी वीडियो हम ला देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना, या फिर आप मनी अर्निंग वीडियो ले मतलब कि मनी अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर एप्लीकेशन के ज़रिए करना चाहते हैं, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले रहना, क्योंकि इस चैनल पर वैसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे आप डेली की 100 से लेकर के 200 अर्निंग कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, और कुछ भी आपका सवाल हो या कुछ भी अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये सब आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जिस भी मतलब कि आप कमेंट करते हैं इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए करके, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के कौन न्यू वीडियो के साथ।